Hello everyone. I am the teacher to the question. Let me explain the question to you now. The question says, how is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of the shoot towards light? So, हमें question क्या कह रहा है? Question हमें कह रहा है कि movement जो है leaves की एक sensitive plant के वो किस तरह से different होती है shoot की movements के accordingly light के प्रति. So, when we talk of movement of leaves की जब हम बात करते हैं, जो मूवमेंट लीव्स की होती है एक सेंसिटिव प्लांट की, वो जो मूवमेंट है वो दैट इज द टच सेंसिटिव मूवमेंट. वो तभी होती है जब उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई से टच करता है, वो टच सेंसिटिव होती है. वो ग्रोथ के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ये जो मूवमेंट होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. सो ये मूवमेंट जो है टच सेंसिटिव प्लांट की, ये टच के अकॉर्डिंगली या स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली काम करती है. वेयर एज अगर हम मूवमेंट ऑफ शूट की बात करें टूवर्ड्स लाइट, ये जो मूवमेंट है ये लाइट के टूवर्ड्स जो मूवमेंट है शूट की, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. सो it is growth related, it is because the shoot tip is growing and it grows towards the light. It is known as this process of any plant or the organ of the plant jo move karta hai towards the light, us process ko hum kya bolte hain, us process ko hum bolte hain phototropism. So ye jo shoot hai ye फोटोट्रोपिज्म वाला प्रोसेस फॉलो करता है. वाइल एज जो लीव्स थे वो टच सेंसिटिव थे, वो तो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे थे दैट इज स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स. वो जैसे ही उनको स्टिमुलस लगता है किसी भी एक्सटर्नल बॉडी से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, तो दे शो अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट एंड दे मूव. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.